नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालजा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज ये महाशिवरात्रि का पर्व जो कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस वक्त हम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर का शिखर और पूरा महाकालेश्वर मंदिर बहुत ही आकर्षक विद्युत सज्जा एवं साज सज्जा से सुशोभित है। और साथ ही आप मेरे पीछे मंदिर प्रांगण में देखी आपने एक आकर्षक रंगोली जो कि 3 दिन की मेहनत के बाद इन कलाकारों द्वारा बनाई गई है। बहुत ही सुंदर रंगोली है, 3 दिन की मेहनत इन कलाकारों की है इसमें, क्योंकि शिव पार्वती के विवाह की रंगोली है ये जो कि इन कलाकारों द्वारा बनाई गई है। आइए हम इन कलाकारों से बात करते हैं कि 3 दिन की मेहनत, और इन कलाकारों के चेहरे बता रहे हैं कि 3 दिन से शायद सोए भी नहीं है, इतनी मेहनत की हुई है इन्होंने, किस प्रकार से रंगोली बनाई है 3 दिन की मेहनत पर इन्होंने। आपने किस प्रकार से कब से स्टार्ट किया बना रहे? सर, हम लोगों को 2 दिन और 2 रात हो गए हैं, हम लोग कोई भी सोए नहीं है। विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हम लोग फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से, और हम लोगों ने शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर उनके विवाह से की टॉपिक पे हमने रंगोली बनाई है। और हमारे पूरे टीचर और विक्रम यूनिवर्सिटी के PC का पूरा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, और सभी विद्यार्थियों को भी बहुत सपोर्ट रहा है। क्या नाम है आपका? नंदिनी प्रजापति। और भी हमारे साथ कई विद्यार्थी हैं जो कि 2-3 दिन हो चुके हैं, ये सोए भी नहीं है इनकी। हम इन भाई साहब से बात करते हैं, आपकी शक्ल से देख के लग रहा है हमें कि आप सोए नहीं है 2-3 दिन से, और काफ़ी मेहनत की है। आपके हाथ भी बता रहे हैं जो इतनी बड़ी रंगोली और महाशिवरात्रि का पर्व, एक इनकी मेहनत के लिए इनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज जी। पंकज जी, कब से बना रहे हैं आप? 2 दिन हो गए आपको जी। कैसा लग रहा है महाशिवरात्रि के दिन इतनी अच्छी खूबसूरत रंगोली बनाकर? आपको बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आपका टीम का कैसा सपोर्ट रहा? पूरा सपोर्ट रहा, सभी टीम मंदिर पर सब, और हमारे EBP की तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट रहा है जगह, और हम बहुत अच्छे से सबके सपोर्ट। तो इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला है, और यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और यहाँ पर आज के दिन आज महाकाल मंदिर के प्रांगण में इतनी खूबसूरत रंगोली बनाकर ये काफ़ी खुश हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और 3 दिन की इनकी मेहनत है। हमारे साथ श्रद्धालुगण मौजूद हैं जो आज पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए हम जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या विशेष रहा और किस प्रकार की दर्शन व्यवस्था रही। कहाँ से आपको उज्जैन आकर कैसा लगा? जो आप माता शिवरात्रि के साथ में क्या माना? आज बहुत स्पेशल ओकेजन है महाशिवरात्रि, दूर दूर से सब लोग आए, शिव जी दर्शन ऑन दिस स्पेशल। दर्शन व्यवस्था उज्जैन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, कुछ भीड़ भाड़ नहीं, बहुत आसानी से दर्शन होते हैं। से लाखों की तादाद में दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन व्यवस्था काफ़ी सुगम है और काफ़ी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। पंडित जी, आज किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है महाकाल मंदिर में, आज किस प्रकार की पूजा की जा रही है? आज तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अभिषेक होगा भगवान का, और आज दिन भर भक्तों के लिए दर्शन चालू रहेंगे। आज ये साल में एक ही दिन ऐसा रहता है जिस दिन भगवान के पट रात को खुले रहते हैं। सवेरे होने वाली भस्म आरती दोपहर में होगी 12 बजे, भगवान को 12 बजे कल दोपहर में फेरा चढ़ेगा। आज सवेरे से भस्म आरती के बाद सतत दर्शन चालू रहेंगे भक्तों के लिए, और दोपहर में कल 12 बजे भस्म आरती होगा। साल में एक ही दिन होता है। कितने भक्तों ने आज दर्शन अभी तक किए हुए हैं? और असंख्य भक्तों ने दर्शन तो कर लिए अभी तक। कल जो भस्मारती की जाएगी दिन में? हाँ, कल दिन में भस्मारती होगी, तो उससे पहले बाबा का चेहरा चढ़ाया जाएगा भस्मारती में, भूले के रूप में सजाए जाएंगे बाबा। आपका शुभ नाम? आशीष। आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज़ के लिए नीलेश मालविया की रिपोर्ट।